हाय, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं जो बात करने वाला हूँ, जो खीरा होता है ककुमर, उस पर अभी मेरे पास एक फार्मर की कॉल आई है। भैया, दो पत्ती का हमारा खीरा हो गया है और उसमें रोग आ रहा है, तो मैं अभी फील्ड पे जाऊँगा पहले, उसके बाद देखूँगा उसमें क्या रोग है, उसके बाद उन्हें दवा बताऊँगा। भैया, इस रोग के लिए आपकी ये दवा जाएगी। तो बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल द टेक्निकल किसान प्रवीर राजपूत पर। तो मैं भाई लोगों में घर से निकलने वाला हूँ और फील्ड विजिट करूँगा, उसके बाद देखूँगा उसमें क्या रोग है, और उसके बाद उन्हें जिस दवा की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं प्रमोट करूँगा उसमें। ठीक है भाइयों, चलते हैं खेत पे, फिर करते हैं मुलाकात आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ खेत पे। यहाँ जो खीरा है बाबूजी का, इनका मैं नाम और पता पूछ लेता हूँ एक बार। बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? सुनील। एक बार बताओ। सुनील नाम है मेरा। हाँ, बाबूजी ने खीरा लगा रखे हैं। ये 2 से 3 पत्ती का पौधा हो गया अपना, और इसमें क्या है, एक रोग आता है जो जड़ों में, एक छोटा सा कीड़ा आता है चावल जी के दाने जैसा। वो क्या करता है, पौधे को नीचे खा लेता है, और जो गरन टाइप की जैसे पौधा ख़त्म हो जाता है वो। तो उसके लिए इलाज जो रहता है उसका, आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे बायर कंपनी का आता है एक रीजेंट SC करके, जिसमें फिप्रोनिल रहता है और 10 ml पर टंकी डोज जाती है उसकी। अगर पीलापन है खेत में आपके, तो एंट्राकोल 50 ग्राम पर टंकी, और साथ में एम्बिसन ले सकते हैं 50 ml पर टंकी के हिसाब से। ये मैं खेत आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 2 से 3 पत्ती का पौधा हो गया है अभी। ये 2 से 3 पत्ती का पौधा है। तो इसमें आप एम्बिसन, एंट्राकोल और रीजेंट SC लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये बढ़िया कंट्रोल में हो जाएगा, हरा भरा खेत हो जाएगा, फल फूल भी अच्छा आएगा इसमें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर प्रवीर राजपूत आज आपसे एक जरूरी बात करने वाला हूँ। अभी क्या है, हमारे क्षेत्र में जो है खीरा चल रहा है, तो खीरा में क्या है, स्पेशली 2 से 3 पत्ती का पौधा हो रहा है इस टाइम, और उस 2 से 3 पत्ती के पौधे में क्या है, जड़ों में एक सुंडी लगती है, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले। कई किसानों की मेरे पास कंप्लेंट आई, भैया सुंडी उसमें बहुत सारा पौधे नष्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई दवा बताओ। तो उसी दवा को लेके मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और उससे कैसे रोक सकते हैं आप, उसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल द टेक्निकल किसान प्रवीण राजपूत पर। तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ कि उस सुंडी से कैसे बचाव कर सकते हैं आप, उस सुंडी की रोकथाम क्या है और उसका उपचार क्या है। तो उसके लिए मैं आज आपसे कुछ ज़रूरी बातें जो बताने वाला हूँ। कुछ प्रोडक्ट आते हैं बायर कंपनी के, तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ उस सुंडी को कैसे खत्म कर सकते हैं। एक दूसरी, एक लीफ माइनर आती है जो पत्तों में क्या है, हल्के हल्के लीफ जैसी, यानी रेशेदार बना देती है, वाइट वाइट सी, तो वो भी सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो कुछ दवाएं हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो सारा कुछ सही हो जाएगा आपके पौधे का, और अच्छी ग्रोथ कर जाएगा पौधा। यानी 2 पत्ती का पौधा है, तो जो रोग आ रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और अच्छा ग्रोथ कर जाएगा पौधा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताने वाला हूं, तो आपको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर पे लेना है आपने बायर कंपनी का आता है एंट्राकोल। एंट्राकोल है ये कॉन्टेक्ट फंगीसाइड रहता है, ये 50 ग्राम पर टंकी डालना है आपने। ये तो हो गया भैया फंगीसाइड, जैसे पीलापन आ रहा है, पत्ती पीली पड़ रही है, तो वो पीली पड़नी बंद हो जाएंगी और बड़ा हरा भरा खेत हो जाएगा आपका, फंगस वगैरह सब दूर हो जाएगी उससे। तो पहला है एंट्राकोल, ये 50 ग्राम पर टंकी डालना है आपने, ये नोट कर लो, बायर कंपनी का है एंट्राकोल। दूसरा प्रोडक्ट आता है इसके साथ में एम्बिसन, ये ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी सप्लीमेंट्री है एक ये एम्बिसन। ये दो हो गए, तीसरा लगाना है आपने बायर का, ये तीसरा प्रोडक्ट है रीजेंट SC, ये लिक्विड फॉर्म में आता है रीजेंट SC। इसके अंदर क्या है, फिप्रोनिल है 5%, इसके अंदर फिप्रोनिल 5% है। ये तीन प्रोडक्ट ने आपने मिला के कॉम्बिनेशन करके इसके स्प्रे करने हैं आपने, जो आपके खेत में रोग है वो सारा खत्म हो जाएगा। इसके साथ क्या लेना, एक एंटीबायोटिक जरूर डालना, कोई भी स्प्रे करो आप XYZ, उसके साथ में एंटीबायोटिक जरूर डालो, क्योंकि खीरा जो होता है एक बहुत नाजुक पौधा होता है,
अगर कोई दूसरी दवा अगर उस पर हार्ड पड़ जाएगी तो क्या आपका खीरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसमें एक सावधानी बरतनी है आपने, कोई सी दवा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये दवा, कोई सी दवा लगाओ आप तो एंटीबायोटिक जरूर डालो उसमें। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लो, बेनिडोमाइसिन ले लो, बहुत सारे एंटीबायोटिक आते हैं मार्केट में, लेकिन ये तीन दवाएं हैं जो आपका जो नुकसान हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा जबरदस्त। और ये आप तीनों कॉम्बिनेशन मिला के डालो। इसकी मैं डोज एक एक करके आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। एंट्राकोल की डोज जाएगी 50 ग्राम पर टंकी, यानी 15 लीटर पानी में 50 ग्राम जाएगा ये। दूसरा एम्डिसन, ये 15 लीटर पानी में 50 ml जाएगा ये लिक्विड में, तो ये 50 ml जाएगा ये। तीसरा ये रीजेंट SC है, ये 5% फिप्रोनोलेस के अंदर, तो ये जाएगी 10 ml प्रति टंकी। सही सुना आपने, ये 10 ml प्रति टंकी जाएगी, ठीक है। इसके साथ एंटीबायोटिक लेना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति टंकी। यानी चार चीज़ों को मिला के आपको स्प्रे कर देना है, जो आपकी समस्या है दो पत्ती के पौधे पे जो समस्या आती है, जड़ों में जो कीट लगता है वो सारा खत्म हो जाएगा, सिकोड़ा वगैरह सब खत्म हो जाएगा उसमें आपका, और पौधा क्या आपका बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। तो भाइयों आज का वीडियो इसी पे था मेरा, कुछ मेरे पास क्या है, सुबह से आज फार्मरों की कॉल आई, भैया हमारे खीरा जो है दो पत्ती का हो गया है और उसमें ये है, ये शिकायत आ रही है। तो मैंने, भैया ठीक है मैं आपको आज इसका समाधान बता दूंगा, तो आप ये चीज़ मार्केट से लेके, बायर कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये तीनों, तो आपको ये मार्केट से लेके स्प्रे कर दो तुरंत। दो पत्ती का पौधा है तो उसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने की समस्या रहती है, तो सिर्फ यही तरीका है उसे करने का। बाकी जब थोड़ा पौधा और हाइट में हो जाएगा, लगभग एक ब्लांत का हो जाएगा, तो मैं उस पर दूसरी वीडियो बना दूंगा, तो वो आप उसे भी देख सकते हो। और उसके जरिए अगर आप करना चाहते हो तो खीरे बहुत अच्छे बम्पर करने वाला हूँ मैं आपके लिए, पूरा सपोर्ट करेगा भाई। बस आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल किसान पर, और आप आगे देखते रहिए वीडियो, कमेंट करके बताइए भाई साहब। अगर कुछ और ज़्यादा जानकारी आपने चाहिए तो उसके लिए आप कुछ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है भाइयों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।